अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाच का रेसिपी। तो आज हम अपनी रेसिपी में बनाने वाले हैं मज़ेदार सा चिकन मसाला करी, जो कि ये झटपट और इजी सा बन जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन करी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब हमें इसमें सबसे पहले ऐड कर देना है नींबू। तो यहाँ पे हमने 1 kg के लिए 1/2 नींबू लिया है और इसे अब मैं इसे डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। नींबू डालने से क्या होता है कि चिकन का जो स्मेल होता है वो चला जाता है। तो इसे मिक्स करके हम 10 मिनट तक इसे रख देंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पैन में सबसे पहले डाल रहे हैं ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। तो यहाँ पे हमने 1 kg चिकन के लिए 250 ग्राम अनियन लिया है और इसे हम स्लाइस करके इस तरीके से डाल देंगे। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसे ट्रांसपेरेंट होने तक कुछ देर तक इसे फ्राई करना है। जब तक ये अनियन हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा अनियन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे 2 बड़ा चम्मच भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं और अब इसे डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन ना चला जाए। तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हम इस तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे फिर अच्छे से लगातार 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और ये अब अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो नहीं डालें। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक लगातार फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो हमें इस तरीके से लगातार चलाते हुए फ्राई करना है ताकि नीचे हमारा मसाला बैठे ना और वो इवनली कुक हो जाए। तो हमारा मसाला फ्राई हो चुका है तो अब हम इसी स्टेज पे हमारा जो चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इसमें अभी पानी नहीं ऐड करना है। अभी इसमें हम 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि चिकन जो है वो पानी खुद छोड़ देता है, अपना जो मॉइस्चर होता है वो छोड़ देता है, तो इसलिए हम उसे ड्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये पूरा अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। आप अपनी चिकन की क्वान्टिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसमें 8 से 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं हमारे चिकन में अभी बहुत ही ज़्यादा पानी है। आपको जितना उसका थिकनेस रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी हम इसी स्टेज पे डाल देंगे 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल ये पक चुका है, हमें इसी तरीके की थिकनेस चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा चिकन मसाला करी तैयार हो चुका है और देख सकते हैं ये माशाल्लाह कितना लजीज दिख रहा है और खाने में ये उतना ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।